100% जीत की खुशी मनाई जा सकती है और जो हमारे दुश्मन है अभी से ही परास्त हो चुके हैं, इसकी खुशी मनाई जा रही है। तो दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं, इस तरह का यह त्योहार है। पुराने बातों को भुलाकर वो धर्म के रक्षक है और युद्ध कला के स्वामी है। युद्ध कला के स्वामी से आज इस रंग से उनको हम लोग सम्मान करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये गजब का संयोग बना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से एनडीए गठबंधन के साथ ही एक साथ होली खेलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं आप। देखिए, जदयू से एमएलसी रामेश्वर महतो और बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री, नवनिर्वाचन मंत्री जो है हरीश सहनी यहाँ पर मौजूद है। और होली का रंग देखिए, और ये देखिए होली का रंग देखिए किस तरीके से चढ़ गया है। ये राजनीति में काफी ये तस्वीर जो होती है वो काफी सुखद तस्वीर होती है। और ये तस्वीर जो है गौर से देखिए किस तरीके से जदयू और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का होली एक साथ होता हुआ नजर आ रहा है। हरीश सहनी बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के एमएलसी रामेश्वर महतो इस तरीके से होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है, ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। इन तस्वीरों को आप देखिए गौर से किस तरीके से बीजेपी और जदयू का होली एक साथ यहाँ पर एमएलसी क्वार्टर में होता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीर को देखिए, सर क्या कहेंगे? भाजपा और जदयू की होली एक साथ, आज ये तस्वीर बहुत कम देखने को मिलता है। आज हरीश सहनी जी आपको अभी लगाने के लिए पहुंच देखिए। पहले बात तो होली का त्योहार है, आप सभी लोगों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं। जहां तक आप पार्टी में बांध रहे होली को, इस त्योहार को पार्टी से मत बांधे। सभी पार्टी के लोग आपस में मिलते हैं जुलते हैं। होली के लिए तो कहा ही जाता है कि होली में दिल मिल जाते हैं, ऐसा कुछ आपने गाना में भी सुना है। होली के दिन दिल खुल मिल जाते हैं रंगों में रंग। अरे बाबा, ये क्या जो होली आप लोग मना रहे हैं, ये जीत की खुशी मानी जाए इस चीज को 2024 के चुनाव से देखा जाए? 100% जीत की खुशी मनाई जा सकती है और जो हमारे दुश्मन है अभी से ही परास्त हो चुके हैं, इसकी खुशी मनाई जा रही है। होली पहले लालू आवास पे खूब देखी जाती थी, अब जदयू एमएलसी और बीजेपी के मंत्री के आवास पे। मैंने पहले ही कहा था किसी एक पार्टी से होली को मत बांधिए, ये तो रंगों का त्योहार है। पूरे देश प्रदेश सभी लोग आपस में मिल के मनाते हैं और ये तो सभी आपस में, यहाँ आज के दिन तो दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं, इस तरह का ये त्योहार है। पुराने बातों को भुला कर हरीश सहनी सर है, क्या कहेंगे सर? ये तस्वीर काफी अहम है, काफी खास तस्वीर है। चुनाव से पहले रंग में आपने रंग दिया है भारतीय जनता पार्टी के जदयू के एमएलसी को, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार वैसे तो होली सभी लोगों को पता है, होलिका दहन के नाम से प्रारंभ हुए थे, लेकिन रंगों के त्योहार ये भगवान श्री कृष्ण के समय से रंगों को जोड़ा गया है, ये अभी तक हम लोग यही जानते हैं। और वो कौन है? वो धर्म के रक्षक है और युद्ध कला के स्वामी है। तो युद्ध कला के स्वामी से आज इस रंग से उनको हम लोग सम्मान करते हैं। और जो धर्म के रक्षक को ध्यान में रखकर त्योहार मनाते हैं, तो भारत के भी रक्षा क्या बात, भारत के संस्कृति की बात, भारत के धर्म की रक्षा के बात उनके मन में आता है और इस होली को खास होली के रूप में मनाते हैं। और इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म भूमि पर जितना विशाल दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से ये इतिहास के पन्ने में लिखा गया। तो आज इस होली को पूरे देश में आज लोग खास होली के रूप में मना रहे हैं। ये जीत की होली मान ली जाए इसे? जीत की होली तो जनता मना रही है, उनको उनके मन में ये लग गया है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, तो जो कहते हैं करते भी हैं। एक तरफ गरीबों का घर बन रहा है तो दूसरे तरफ राम जी का टेंट भी समाप्त होकर दुनिया का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। तीसरे तरफ आप देखें तो दुनिया के मानचित्र पर भगवा रंग भी लहरा रहा है। इसी का परिणाम है कि अबू धाबी में जाकर के
27 एकड़ में जाके भव्य मंदिर का निर्माण होता है। ये कोई हमारे नरेंद्र मोदी जी का कुछ और नहीं, इन्हें लोग शांति का दूत के रूप में देखते हैं। ये भारत के लिए गौरव का बात है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं, ये तो भारत का सम्मान है। तो जो भारत को इतना सम्मान दिला रहे हैं, निश्चित रूप से इस बिहार की जनता, देश की जनता उस नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए बिहार से 40 सीट और भारत में 400 पार जो लोग बोलते हैं, ऐसा निश्चित रूप से होगा। बहुत बहुत शुभकामना। देखिए हरीश सैनी जी हैं, पूरा गुलाबी रंग में रंग चुके हैं जदयू एमएलसी रामेश्वर महतो सर के आवास पर। दोनों के बीच में जो जुगलबंदी देखने को मिली है, ये स्पष्ट रूप से एक संदेश दे रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में तस्वीरें बेहद खास हो जाएंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।